मोहर्रम के महीने में होने वाली कुर्बानी की अंग्रेजी अखबार को मुतनाज़ खबर फीड करने के मामले पर परवेज रशीद को वजारत इत्तला'आत से फारिग कर दिया गया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। खबर की तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। अंग्रेजी अखबार को मुतनाज़ खबर फीड करने के मामले पर परवेज रशीद को वजारत इत्तला'आत से फारिग कर दिया गया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। छह अक्टूबर को डॉन न्यूज में छपने वाली मनगढ़ंत खबर फीड करने वाले मुलजिम का पता चला लिया गया। परवेज रशीद को वजारत इत्तला'आत से फारिग कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एलामिया में कहा गया है कि रोजनामा डॉन में 6 अक्टूबर को छपने वाली खबर कौमी सलामती के मुनाफी थी। अब तक के शवाहिद वज़ीर इत्तला'आत की कोताही की निशानदेही करते हैं। शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर इत्तला'आत को ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई। वज़ीर इत्तला'आत के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को भी ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। राव तहसीन को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हिदायत की गई। मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी में ISI, MI और IB के अफसरान शामिल होंगे।